दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रैक्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। अगर उसका नॉलेज नहीं है तो ट्रैक्टर खरीदना ही बेकार है। क्लच के बारे में, ट्रैक्टर में बहुत सारे क्लच आते हैं लेकिन सब लोग इसके बारे में नहीं जानते। और सबसे बड़ा ब्लंडर होता है जब आप ट्रैक्टर खरीदते हैं और आपको पता नहीं होता। तो तीन तरह के क्लच होते हैं, उसको डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी बात है, आज 5 कमेंट जो आए थे उन पर बात करेंगे। सुरेश भाई ने भेजा, राजेश, देवेंद्र, नितिन, नितेश और गौरव ने, तो इनके बारे में लास्ट में बात करेंगे। और लास्ट में एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मैं हर बार ही कहता हूँ किसी चीज़ की पूर्णता करना ही आगे बढ़ने का नतीजा है। हम पूर्ण नहीं करते तो इसीलिए तो गरीब भी है हमारे पास। जब भी आप किसी चीज़ को पूरा सुनते हैं तो समझ आते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हम सुनते नहीं हैं, सिर्फ जवाब देने की तैयारी कर रहे होते हैं, इसीलिए वीक होते हैं। तो आपको वीडियो पूरी तरह से देखना है। जब भी आप वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि वीडियो का कंटेंट क्या था और कहना क्या चाहते हैं। तो आज बात करते हैं क्लच के ऊपर। पहले बोलते क्लच का काम क्या है। क्लच का काम है इंजन से जो पावर आ रही है उसको पीछे जो गियर में जा रही है उसके बीच में कट डाउन लगाना। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि अलग अलग गियर होते हैं, उनकी अलग अलग स्पीड होती है। तो इंजन की जो पावर आ रही है उसको कट करके पीछे गियर को मैच किया जाता है, फिर क्लच को छोड़ दिया जाता है। इतना सा काम रहता है, यानी एक फ्यूज की तरह काम करता है ये। और ट्रैक्टर में तीन तरह के क्लच होते हैं, सिंगल, ड्यूल और डबल। अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात है, इंडिया विश्व का नंबर 1 प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है। और सबसे ज्यादा ट्रैक्टर इंडिया में ही बिकते हैं। और सबसे ज्यादा विश्व में ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है वो महिंद्रा है। क्वालिटी का पता नहीं, नंबर 1 है। लेकिन अब सभी जगह जो ट्रैक्टर में क्लच दिया जाता है दोस्तों, वो सबसे टिपिकल होता है, क्योंकि क्लच की कॉस्ट ज्यादा होती है। तो उस वजह से सिंगल, ड्यूल और डबल तीन तरह के क्लच होते हैं। और यहां ज्यादातर इंडिया के अंदर ट्रैक्टर जो बिकते हैं वो सिंगल क्लच बिकते हैं दोस्तों। हमारे को नॉलेज नहीं होने की वजह सिंगल क्लच ले आते हैं, फिर सिंगल क्लच से डबल क्लच लाने के लिए या ड्यूल क्लच लाने के लिए हमारे को कम से कम 5 लाख का नुकसान होता है, क्योंकि इंप्लीमेंट भी तो वैसे होते हैं ना दोस्तों। सिंगल क्लच में क्या होता है, जैसे आपने ट्रैक्टर लिया, सिंगल क्लच लिया, तो आप ट्रैक्टर चला रहे हैं और पीछे मान लो आपके कोई भी पीटीओ चलित उपकरण लगा हुआ है। आप क्लच दबाएंगे तो पीटीओ भी रुक जाएगा और स्पीड भी रुक जाएगी। अब ऐसी जगह ट्रैक्टर, ये वाले ट्रैक्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पूरे इंडिया के अंदर होते हैं दोस्तों। जैसे आपने कल्टीवेटर चलाना है तो कोई बात नहीं, ये ट्रैक्टर अच्छे हैं सिंगल क्लच। आपने प्लाव चलाना है, सिंगल क्लच अच्छे हैं। आपने कोई भी ऐसा इंप्लीमेंट जो पीटीओ से ऑपरेटेड नहीं हो, चलाना है तो सिंगल क्लच ओके है। लेकिन आज के युग के अंदर बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंट आ रहे हैं जो सिर्फ पीटीओ से चलते हैं दोस्तों। तो इसमें पीटीओ का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि क्लच हमारा क्या काम करता है, पीटीओ को पावर देता है। क्लच एक स्पीड देता है, एक पीटीओ को पावर देता है। अब सिंगल क्लच में नुकसान क्या होता है, जब आप रोटावेटर लेते हैं, मान लो रोटावेटर लिया आपने, रोटावेटर चल रहा है, आप रोटावेटर में कुछ फंस गया है, आपने क्लच दबाया तो रोटावेटर भी बंद हो गया और ट्रैक्टर की स्पीड भी रुक गई क्लच दबाते ही। अब खाली नहीं हुआ रोटावेटर, तो अभी आपको क्या करना है, गियर को पीटीओ को न्यूट्रल करना है, पीटीओ को लगाना है और गियर को न्यूट्रल करना है, फिर क्लच छोड़ेंगे तो रोटावेटर को उठा के चलाएंगे तो कचरा निकलेगा, फिर आपको प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसमें कम से कम आपका टाइम लॉस होता रहता है। गियर लॉस हुआ, डीजल लॉस हुआ, सब लॉस हुआ। इसी जगह ड्यूल क्लच आता है आगे। ड्यूल क्लच का क्या मतलब होता है, जब हम प्रेस क्लच को आधा प्रेस करते हैं, आधा प्रेस करेंगे तो आपका ट्रैक्टर का स्पीड रुक जाएगा लेकिन पीटीओ चलता रहेगा। जब पूरा प्रेस करेंगे पीटीओ भी रुक जाएगा, स्पीड भी रुक जाएगी। अब मान लो आप ट्रैक्टर चला रहे हैं और पीछे रोटावेटर है या कुछ भी ऐसा इंप्लीमेंट है जिसका आपने स्पीड रोकनी है लेकिन पीटीओ चलता रहे। जैसे मान लो रोटावेटर में कचरा भर गया, थ्रेशर में कचरा ज्यादा हो गया, किसी भी जगह आपको उसको खाली करना है, सिर्फ आपको आधा क्लच दबाना है, पीछे पीटीओ चलता रहेगा। तो उससे फायदा क्या होगा दोस्तों, उससे फायदा यह होगा आप हल्का सा क्लच दबाओगे आपकी स्पीड रुकी और वो रोटेट हुआ, चल पड़े आगे। ये भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, यूज का नहीं होता है, थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है जहां जहां लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको याद नहीं। लेकिन सबसे बड़ी ताकत होती है डबल क्लच के अंदर दोस्तों। जब भी आप बड़ा ट्रैक्टर लेते हैं तो डबल क्लच मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है,
डबल क्लच के अगर सिंदर से कंपैरिजन किया जाए तो पीटीओ के लिए अलग ही क्लच दिया होता है जो इस हाथ में होता है। इस क्लच में दबाया तो क्लच ऑफ हुआ, आपका स्पीड और पीटीओ का क्लच दोनों अलग है, मतलब आप स्पीड अलग चला रहे हो। आप कभी क्लच लगा के पीटीओ खड़े को भी चला सकते हो, चलते हुए को भी चला सकते हो, इसी तरह ट्रैक्टर को अलग यूज कर सकते हो, आप अपने कंबिनेशन से कुछ भी कर सकते हो। अब ऐसे ट्रैक्टर दोस्तों जो पीटीओ से चलते हैं, जैसे कंबाइन चलाना है आपने तो कैसे चलेगा, ये डबल क्लच से ही चलेगा। बहुत सारे जो आगे फ्यूचर में आने वाले इंप्लीमेंट हैं जिससे पीटीओ पावर जाती है, वो सिर्फ डबल क्लच से ही चलेंगे दोस्तों। ड्यूल क्लच से भी चल सकते हैं लेकिन डबल क्लच से ज़्यादा चलेंगे। आप मान लो आप एक तूड़ी चलाने वाली मशीन चला रहे हो पंजाब हरियाणा के अंदर, अगर आपका डबल क्लच ट्रैक्टर नहीं है, आपका लोड हुआ ज़्यादा, लोड हो गया तो आप क्या करोगे, सिर्फ क्लच ट्रैक्टर की स्पीड ही कम करोगे, पीटीओ चल रहा है, पूरा क्लच दबाया, स्पीड चल रहा है, पीछे खाली हुआ, फिर चल पड़े, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत सारी बढ़ जाती है उससे। और अगर यहाँ पे सिंगल क्लच होता तो क्या होता दोस्तों, आपको ट्रैक्टर रोकना है, गियर बदलना है, गियर न्यूट्रल करना है, फिर क्लच को छोड़ना है, फिर उसको खाली करना है, फिर वापस क्लच लगाना है। इतनी भारी आप क्लच को यूज़ कर रहे हो जिस वजह से आपकी डीजल की एवरेज ख़त्म हो जाती है। और ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस्तेमाल ज़्यादा कम करना है हमको क्लच को। और बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल डबल क्लच का ज़्यादा होता है। जब भी हम ट्रैक्टर लेने हैं तो हमें सोच समझ के लेना है ड्यूल क्लच या डबल क्लच का ट्रैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे इंप्लीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये नॉलेज नहीं होता ना हमको, जाते हैं हम सबसे पहले क्या सोचते हैं कि ट्रैक्टर सस्ता हो जाए, थोड़े से पैसे बच जाए मेरे। अरे भाई, अगर खरीद ही रहे हो तो ऐसी चीज़ खरीदो जो आपके लंबे सेगमेंट तक काम करे आपके साथ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंगल ड्यूल डबल। जब भी आप 3500 हॉर्स पावर से नीचे वाला ट्रैक्टर खरीदो तो आपको सिंगल क्लच भी खरीद लो चलता है, लेकिन जैसे ही आप 50 हॉर्स पावर से ऊपर चले जाओ आपको डबल क्लच खरीदना चाहिए ट्रैक्टर, क्योंकि डबल क्लच के अंदर आपको ऐसी पावर मिलती है जिससे आपके बहुत सारे इंप्लीमेंट जो दुनिया में चलते नहीं है, जहां पे आपको मतलब काम कम करना पड़ता है और पैसा ज्यादा मिलता है, वो वाले इंप्लीमेंट आ जाते हैं वहां पे सबसे ज्यादा पैसे की कमाई होती है दोस्तों, है ना। जैसे मान लो आप ये चला रहे हो, क्या बोलते हैं, लेवलर का मतलब है जो कंप्यूटर कराया होता है, वो क्लच से ऑटोमेटिक कनेक्ट होता है, मतलब अपने आप हाइड्रोलिक उठाएगा, करेगा, आप चलाते रहोगे, घुमाते रहोगे, सारा सेट हो जाएगा। लेकिन उसकी सेकंड कांच चाहिए, डबल एक्टिंग चाहिए हमको, उसके अंदर हाइड्रोलिक चाहिए, क्योंकि डबल एक्टिंग हाइड्रोलिक चाहिए। तो इस पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा, हाइड्रोलिक कैसा होना चाहिए पूरा। तो क्लच के बारे में समझ आ गया, पहला क्लच पूरा दबाते हैं तो पीटीओ भी रुक जाता है और ये भी रुक जाता है। और सबसे बड़ी गड़बड़ है मतलब मैसी के अंदर है, मैसी का क्लच दबाओ तो उसका लिफ्ट भी उठना बंद हो जाता है, क्योंकि अगर डबल क्लच है तो लिफ्ट उठता है उसका, क्योंकि इसका पंप है पीछे, जो ड्राइवर की सीट है उसके नीचे होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको बहुत अच्छे से चलाते हैं क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है। लेकिन अभी क्या है, डबल क्लच आने की वजह से पीडियो वो चलता रहता है, अगर डबल क्लच नहीं है, सिंगल क्लच है तो मैसी ट्रैक्टर क्लच दबाओगे, गियर भी रुकेगा, पीटीओ रुकेगा, लिफ्ट भी काम करना बंद कर देगी, क्योंकि जो पंप है वो सीट के नीचे है, ऑयल में डूबा हुआ पंप है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सेंसिंग बहुत अच्छी है, बहुत उसकी स्ट्रेंथ भी होती है और कमियां भी होती हैं दोस्तों, है ना। तो ये था पूरा, क्योंकि जब भी ट्रैक्टर खरीदने जाते हो ऐसी चीज नहीं है, 1500000 का इन्वेस्टमेंट है, उसके बारे में बहुत सारी स्टडी करनी है आपको, बहुत स्टडी। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट था क्लच के बारे में, है ना। अब बात करते हैं सुरेश भाई, ये लिखते हैं मैं 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ, 50 HP का कीमत कितनी होनी चाहिए। दोस्तों मैंने कितनी बारी बताया, हर स्टेट की कीमत अलग होती है। अब कीमत अलग है तो आपको वहाँ लोकल देखना है कि कितनी कीमत है इनकी, पहले कौन से कस्टमर ने कितने भी लिया है, फिर आपको नेगोशिएशन करना है, 10 से 20-50 हज़ार रुपये आप कम कर सकते हो आसानी के साथ। आपने अगर उनको मेरे पिछले वाले वीडियो में जाओगे तो देखोगे कैसे कीमत कम करनी है, वो मैंने बहुत सारा चीज़ें वहाँ पर बताई हुई हैं। तो आपको वहाँ कम, आपने लोकल में घूम के पहले ये देखना है कि ये ट्रैक्टर कौन सा अच्छा है जो चल रहा है, जो मार्केट में है, क्योंकि वहाँ आप ट्रैक्टर चलाओगे तो वहाँ उसका मार्केट भी अच्छा होगा ना, आप दोबारा कभी बेचना है, दोबारा काम भी ज़्यादा मिलेगा, सब कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ ट्रैक्टर को लोग जानते हैं वहाँ पे। दूसरे हमारे राजेश भाई इंदौर से लिखते हैं, हमारे पास काली मिट्टी है तो कौन सा ट्रैक्टर लूँ। राजेश भाई, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, काली मिट्टी है तो आपको लोकल में देखना है कौन सा ट्रैक्टर अच्छा चल रहा है, पहली बात। दूसरी बात है, आप जब काली मिट्टी के अंदर ट्रैक्टर चला रहे हो, काली मिट्टी कौन सी है, महाराष्ट्र वाली है, कौन से वाली है, तो पता कैसे चले कितनी हार्ड है। महाराष्ट्र में 60 HP पावर लगता है अगर हार्ड ट्रैक्टर है तो आप अगर मैं चाहूँ नॉर्मल मिट्टी है तो आपको 45 HP पास अच्छा ट्रैक्टर होता है जो सारे काम करता है, डबल क्लच के अंदर आप ले लो तो
पावर स्टीयरिंग हो, डबल क्लच हो, कोई सा भी ट्रैक्टर लो आपको सारे काम करेगा। लेकिन ट्रक जो जो अपने बोलते हैं ना डीजल एवरेज में कैसा रहेगा, चलो वो आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको लोकल में जाके वो देखना है कि कौन से लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, डबल क्लच है, सिंगल क्लच है, ड्यूल क्लच है, सारा देखना है आपको ट्रैक्टर लेने से पहले। जैसे ही आप पूरा स्टडी करोगे आपको सब पता चल जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी जिंदगी में गलती क्या होती है दोस्तों, हम कोई भी काम करते हैं ना हम भावनाओं के आधार पर कर लेते हैं। निर्णय हमेशा किसके बेस पे लिया जाता है पता है, हम भावनाओं के बेस पे निर्णय लेते हैं, वो गलत होते हैं। निर्णय होते हैं सर्वे और डाटा के बेस पे। जब आप फील्ड में लोगों से मिलोगे ना, आप डाटा इकट्ठा कर लोगे तो उसके बेस पे सही निर्णय होगा। मेहनत होती है भावनाओं के बेस पे, भावना होनी चाहिए। मेरे परिवार को मैंने ये करके दिखाना है तो मेरे में भावना होगी ना, तभी तो मेहनत करूंगा। अगर मैंने परिवार को देना नहीं तो मेहनत कहां से करूंगा। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी जिंदगी के अंदर, हम गलती से भावनाओं से क्या करते हैं डिसीजन ले लेते हैं और मेहनत हम लॉजिक से करते हैं। वो तो गलत है ना भाई, उल्टा कर दिया हमने यहाँ पे, इसीलिए हमारा नुकसान होता है। फिर हमारे देवेंद्र भाई लिखते हैं कि मैं सागर एमपी से, इनके पास 20 एकड़ जमीन है और बोलते हैं ट्रैक्टर लेना चाहता हूँ। भाई जल्दी से जल्दी ट्रैक्टर ले लो, और ट्रैक्टर लेने के बाद ये करो अपनी खेती के साथ साथ दूसरों का भी काम करना है आपको। मैं बोलता हूँ आपको सिर्फ 3 साल के अंदर ट्रैक्टर करोड़पति कर देगा, बहुत सारी कमाई होती है ट्रैक्टर के अंदर। लेकिन ये सोच ले कि ट्रैक्टर चलाना है मैंने। अगर सुबह है, हमारे सुरेश गुरु जी की पीछे स्टोरी सुनाई थी, उसके अंदर जाना है कि सुबह सुरेश गुरु जी एक ट्रैक्टर से 9 ट्रैक्टरों पे पहुंच गए और सुबह उठ के पहले मोटरसाइकिल पे लेके निकल जाते हैं काम कहाँ पे। वो ट्रैक्टर लोग दूसरे चलाते हैं, वो वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ पे काम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों काम खोजना, तो काम खोजना है हमको जाके पहले ट्रैक्टर के लिए, रोज आदत बना लेनी है हमने, है ना। तो इसी सबसे नितेश भाई लिखते हैं मैं बैंक से ट्रैक्टर ले लूँ। बैंक का मतलब होता है PNB, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे नेशनलाइज बैंक में जाओ और लोन लेके ट्रैक्टर ले लो। अगर आपको पीछे वाले मेरे वीडियो से कंडीशन पता चल जाता है कि मैं ट्रैक्टर लेना चाहता हूं तो क्यों लेना चाहता हूं, ठीक है। और सबसे बाद में गौरव लिखते हैं मेरे पास 30 एकड़ जमीन है, 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर ओके है क्या। गौरव भाई सबसे बड़ी बात है 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर डीजल सेविंग को देख के मतलब, आप डीजल बचाने के चक्कर में सिर्फ अपनी खेती करने चाहते हो तो 35 ट्रैक्टर ले लो 35 हॉर्स पावर। लेकिन भविष्य के अंदर बहुत सारे इंप्लीमेंट बदलने वाले हैं। अगर 35 से 40 हॉर्स पावर का लेना है ट्रैक्टर तो मैं कहूँगा 4-व्हील ड्राइव ले लो, बहुत अच्छा ट्रैक्टर होता है। उसके आगे भी PTO होता है, आगे थोड़े दिनों में रोटावेटर आने वाले हैं जो आगे चलने वाले हैं, आगे लगने वाले हैं ट्रैक्टरों के। तो बहुत सारे इंप्लीमेंट में बदलाव आने वाले हैं, तो आपको जो लेटेस्ट ट्रैक्टर है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसके तरफ जाना चाहिए। अगर सिर्फ अपना ही काम करना है तो कोई सी भी सिंगल क्लच कोई सा भी ट्रैक्टर ले लो, आप सिंगल क्लच जो सिंपल ट्रैक्टर आता है वो ले लो, वो आपके मेंटेनेंस भी कम रहता है, सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं उसके अंदर, है ना। तो आपको इसे निर्णय आपको खुद कर रहे हैं। तो ये था पूरा वीडियो, अभी मैं गिफ्ट की तरफ आता हूं। हमारी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दुख लाने वाले हम ही लोग होते हैं, क्यों सबसे बड़ा दुख क्यों होता है। आप एक दिन कल उठना और कल ना सुबह सुबह उठते ही आंख खोलते ही क्या बोलना है अपने आपको, कम से कम 10 मिनट आपने आपको आशीर्वाद देने हैं। क्या आशीर्वाद हो गया कल से कि मैं बेस्ट हूं, मैं मेहनत बहुत अच्छी करता हूं, मैं हर चीज में जीतता हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं। इस तरीके से 10 मिनट लगातार आपको अपने आप को ब्लेसिंग देनी है। यह ब्लेसिंग क्योंकि हमारी जब सोते से जगते हैं या सोने जाते हैं उस समय हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ जुड़े हुए होते हैं दोस्तों, एक साथ जुड़े हुए होते हैं और हल्के से बीच में होते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस जाग रहा होता है ये सो रहा होता है, तो उसके बीच में हमारे माइंड में बात चली जाती है, डीप हो जाती है, तो वही हमारी जिंदगी में पैदा हो जाता है। अगर आपने 10 मिनट अपने आपको आशीर्वाद दिया तो आपका दिन इतना अच्छा बीतेगा ना, कहने की क्या बात है। करके देखना एक बारी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपका दोस्त गुरुदीप, है ना। थैंक यू दोस्तों। हाँ अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर जरूर करना जिसने ट्रैक्टर खरीदना हो। ओके दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।